मैं तब भी कहता था, अब भी कहता हूं, ये ताल्लुक और ये रिश्ता बेजोड़। वफा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने जिंदगी में बहुत नशीब व फराज देखे हैं, बहुत धक्के खाए हैं, मेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है, मुझे ये रिश्ता होता हुआ नजर नहीं आता। तब भी कहता था, आज भी कहता, तुम्हारा और वफा का साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा बेटा यूं जिंदगी से बेजार हो जाए, इसे यूं देखना मेरे लिए मुमकिन नहीं बेटा। जो तुम्हारी मंशा है, मेरी दुआ है खुदा उसमें तुम्हें कामयाब करे। यार सही से बताना, कहाँ जा रहे हैं हम? वफा के घर। वफा तेरे घर नहीं रहती? मेरे घर ही, यानी कि उसके डैड के घर। नहीं तो कुछ हुआ है क्या? वफा के डैड ने बाबा को जलील किया, जिसका उन्हें कोई हक नहीं था। तू क्या मुकाबला करने जा रहे हैं उनसे? नहीं, मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि हर इंसान की इज्जत बराबर होती है। अमीर होने का ये मतलब नहीं कि किसी गरीब को रुसवा किया जाए, और जो इंसान ऐसा करेगा उसे भी जलील किया जाएगा। ओ भाई, ये बराबरी और इज्जत की बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती हैं, और ऐसा करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कि अंकल की इज्जत वापस आ जाएगी, इजाज दुरानी और तेरे बाबा का स्टेटस एक हो जाएगा। नहीं, और ये पैसे वाले ना सिर्फ अपने से ज्यादा पैसे वालों की इज्जत करते हैं, तो अगर कोई बदला सोचना है तो कोई ऐसा काम कर जिससे वो अपने आप को कमतर समझे। बड़ा आदमी बन, पैसे कमा और उनको निचला दिखा, समझ ये बात। इजाज दुरानी को जलील करने जा रहे हैं। असद तो बहुत खुश होगा। मैंने उसे नहीं बताया अभी तक। क्या वफा, इतनी बड़ी खुशी की खबर है और तुमने उसे नहीं बताया? क्यों, कैसे बताऊं? हमारे जो हालात चल रहे हैं वो इतना परेशान है, उसके माँ बाप मेरी वजह से घर छोड़कर चले गए। इतनी परेशानी में ये खुशी की खबर नहीं है, बल्कि ऐसे लगेगा कि जैसे मैं उसके हालात का मजाक उड़ा रही। वफा, तुम्हारी खुशी, असद का गम, ये सब एक ही नहीं होना चाहिए? तुम दोनों एक ही नहीं? हम दोनों सुंबुल, हम दोनों जमाने की मार खा रहे हैं। मुझे तो डर है कि हम लोग मर ही ना जाएं। तुम कहीं उससे शादी करके पछता तो नहीं रही? शायद हाँ, मुझे ये फैसला नहीं करना चाहिए था कि उसकी जिंदगी और मुश्किल कर दी। वफा, एक बात हमेशा याद रखना, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, बदलता है। एक दफा असद की जॉब लग जाएगी तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, उसके माँ बाप भी वापस आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट रश, रिलैक्स, सब ठीक हो। और डैड,
डैड ने जो जहर हम दोनों की जिंदगी में घोल दिया है वो क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या सब ठीक हो जाएगा? हाँ। जब डैड को पता चलेगा ना कि वो नाना बनने वाले हैं, तो तुम यकीन करो वो सब कुछ भूल के तुम्हें और असद को एक्सेप्ट कर लेंगे। सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और वफा, तुम्हारा बच्चा, मेरा बच्चा या असद का बच्चा, डैड जितनी नफरत करते हैं असद से, क्या वो उसकी औलाद को अपनाएंगे? देर हो रही है, घर जाना है। मैं बुलाती हूँ, रिलैक्स, चलते हैं घर। एक्सक्यूज मी।